रोहित शर्मा ने की है अच्छी धुलाई, उसके साथ ही विराट कोहली का बल्ला चला है फिर से एक बार। सूर्य कुमार यादव चमक रहा था, सूर्य चमक रहा था, तो देखते हैं कि क्या हुआ है कल के मैच में और क्यों मैच ये जीता है इंडियन टीम। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्पोर्टाहोलिक बैचलर। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, यहाँ पे डेली वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करते रहता हूँ, जिसमें क्रिकेटर्स का इंटरव्यू होता है, उसके साथ ही साथ क्रिकेट के प्री मैच पोस्ट मैच एनालिसिस मैं यहाँ पे करते रहता हूँ, उसके साथ ही साथ क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट भी आपको मैं देते रहता हूँ। तो जो कि आप मेरा फ्रेंड है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियो आपके सामने रहता हूँ इसके लिए। तो चलो दोस्तों, आज का टॉपिक बिना टाइम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली चेंजेस किए थे इंडियन टीम ने, जिसकी वजह से आसानी से मैच जीता है और 225 का विशाल लक्ष्य खड़ा कर पाई है टीम इंडिया। तो यार जैसे कि मैंने चौथे T20 से पहले बताया था कि मतलब चार पेसर की जरूरत है, चार बॉलर की जरूरत है जिसका इंपैक्ट अच्छा पड़ सकता है इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर और अच्छा एक प्रेशर क्रिएट कर पाती है टीम इंडिया। हालांकि चौथे T20 में ये मेरी बात सुनी नहीं टीम इंडिया ने, बट अभी पांचवें T20 में ऐसा ही हुआ और केएल राहुल को निकाल के विराट कोहली ने ओपन किया और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। जब टॉस जीता था इंग्लैंड ने तो ऐसा लगा नहीं था कि इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर पाएगी टीम इंडिया, बट जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी बैटिंग की है रोहित शर्मा, बहुत फैंटास्टिक दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छी हिटिंग कर रहे थे और बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे शुरू से। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि विराट मतलब रोहित शर्मा पिछले दो मैच में कुछ रन नहीं बना पा रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब डगआउट से सेट होके आए और बहुत ही अच्छी हिटिंग कर रहे थे, जिसके चलते हुए विराट कोहली स्टेबल ही काम खेल रहे थे और बिल्कुल भी शांत स्वरूप से उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया, आखिर तक लेके गए अपनी इनिंग को और नॉट आउट रहे आखिर तक, और जिसके चलते बहुत ही एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर पाई थी टीम इंडिया। बॉलर्स ने बहुत ही एक कोशिश की इंग्लैंड के, बट नाकामयाब हुए जब इंडिया ऐसे बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही थी तब। रोहित शर्मा ने 32 गेंदों में 64 रन बनाए और इसके चलते हुए वो आउट हो गए, पर उसके बाद में सूर्य कुमार यादव या फिर आपका हार्दिक पांड्या ने बहुत ही अच्छी एक हिटिंग की। सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं अनलकी रहे थे थोड़े, क्योंकि जो जिस तरीके से कैच पकड़ा था क्रिस जॉर्डन ने तो बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा था और ऐसा कभी लगा नहीं था कि वो आउट हो जाएंगे वहां पे, बट उन्होंने उनकी पारी खेल ली थी वहां तक, क्योंकि 17 गेंदों में कुछ 39 रन बनाए थे और हार्दिक पांड्या ने भी काफी अच्छी हिटिंग की और विराट कोहली बहुत ही बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे पिछले दो तीन मैच से, बहुत ही एक बेहतरीन पारियां खेल रहे हैं वो, तो बिल्कुल भी इसके चलते 225 का विशाल लक्ष्य खड़ा कर पाई थी टीम इंडिया। फिर आए थे मतलब इंग्लैंड के बल्लेबाज, तो वहां पे जॉस बटलर वॉज फैंटास्टिक, तो उनकी विकेट भुवनेश्वर कुमार को जरूर मिली। जसन रॉय को जल्दी आउट कर दिया पहले ओवर ने भुवनेश्वर कुमार ने स्विंग के साथ बीट हुए, उसके चलते मतलब डेविड मिलान ने बहुत ही कोशिश की, जॉस बटलर और डेविड मिलान ने बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्ड की, बट उसके बाद में कोई टिका नहीं और शार्दुल ठाकुर ने जो दो विकेट निकाले फिर से एक बार, तो इसके चलते और आसान हो गया मैच जीतना और बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। और यन मॉर्गन का विकेट हार्दिक पांड्या जो निकाला, इसके चलते हुए लगातार विकेट्स गिरते चले गए इंग्लैंड के टीम के और आसानी से ये मैच जीत लिया टीम इंडिया ने। और अभी फोकस है सारा ओडीआई सीरीज पे जो कि होने वाला है 23 मार्च से पुणे से, और स्टार स्पोर्ट्स में इसका ब्रॉडकास्टिंग किया जाएगा, तो देखना ना भूलना वो भी मैचेस, क्योंकि वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि तीन ऐसे प्लेयर से वो डेब्यू कर सकते हैं अभी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में उनके नाम भी बता दिए थे, स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है, तो काफी मजा आने वाला है। बट मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को तो फिक्स एक चांस मिलेगा डेब्यू करने का, बाकी दो का पता नहीं, कृणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा जो है उनका पता नहीं, क्योंकि उनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, बट सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से इस सीरीज में बैटिंग की है तो मुझे लगता है कि उनको डेब्यू करने का एक चांस जरूर मिलेगा तीन वनडे मैचेस में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो अगर मेरे आपको वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियो आपके सामने लाता हूं इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाता हूं तब। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।